देवास जिले के खातेगांव नगर में समस्त नवरात्रि समितियों ने गाइडलाइन की विसंगतियों के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में दुर्गा उत्सव पर्व प्रारंभ होने में कुछ ही दिन शेष हैं, झांकी निर्माताओं ने तैयारी पूर्ण कर ली। सरकार द्वारा दुर्गा उत्सव के लिए कुछ देरी से गाइडलाइन जारी की गई है, जबकि नवरात्रि उत्सव मनाने हेतु 2 माह पूर्व से तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक विसंगतिपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें अनेकों विसंगतियां हैं, जिसका हिंदू संगठन विरोध करता है। खातेगांव से सती खान की रिपोर्ट। किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आज खातेगांव नगर के समस्त सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा एक ज्ञापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम दिया गया है, और वो इसलिए दिया गया है कि कोरोना को लेकर नवरात्रि मनाने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। 10x10 का पांडाल बताया गया है और मूर्ति विसर्जन में मात्र 10 लोग की अनुमति दी है। अभी 28 अगस्त को जब खातेगांव में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उस समय गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया गया, वहां पर अधिक संख्या में भीड़ थी, एयरपोर्ट पर भीड़ थी। उसके बाद में मध्य प्रदेश में जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम कांग्रेस चाहे भाजपा किसी के भी हो रहे हो, वहां पर सरकार की कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। हमारी धर्म और आस्था के साथ सरकार अगर प्रतिघात करेगी तो हम सड़कों पर आकर इसका विरोध करेंगे। और आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नवरात्रि का उत्सव जैसे हम पहले मनाते आए ऐसा का ऐसा ही नवरात्रि उत्सव मनाएंगे। इसमें चाहे हमें जो करना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।